कलीकुर रहमान साहब बीआरएस का पक्ष रखेंगे। कलीकुर साहब, एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ अडानी है जो विपक्ष उठा रहा है, और तीसरी तरफ विपक्ष सीबीआई ईडी डीआरआई का भी मुद्दा उठा रहा है कि कविता जी से भी आज दो राउंड की पूछताछ हो चुकी है, उनका नाम भी है शराब घोटाले में। कहा जा रहा है कि दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक तार जुड़े हुए थे। विपक्ष क्या चाहता है, बीआरएस कैसे देखता है इन पूरे मसलों? नमस्कार। नमस्कार। जहां तक बीआरएस का ताल्लुक है, जैसा कि इससे पहले भी हमने अपना जो पक्ष था वो मीडिया के सामने और आपके चैनल पे भी मैंने रखा था कि ये जो सेंट्रल एजेंसीज है, इसका जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज कर रही है वो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है। ये हमारी डेमोक्रेसी में एक्चुअली अभी तक हम आजादी के बाद से ये पहली बार हो रहा है कि चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, इनका इस तरीके से एक सरकार जिस तरीके से उनकी पार्टी का एक एक्सटेंडेड आर्म होता है उस तरीके से इसे इस्तेमाल करते जा रही है, और खासतौर पर अपोजिशन के खिलाफ, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे अब चुनाव के दौरान, वो एक भी वादे पे सरकार पूरा नहीं उतर पाई। तो उसकी वजह यह है कि जितने सरकार के जो रेवन भाई, दो चीजें मैं बीच में आपको इंटरप्ट करने के लिए, चुनाव हर साल चार पांच जगह चुनाव हो जाता है और पांच साल में आम चुनाव हो जाता है। चुनाव से इसको थोड़ी देर के लिए अलग कर लेते हैं, क्योंकि लोगों ने कहा एजेंसीज तो काम करेंगी करेंगी, अगर वो चुनाव देखें तो एजेंसियों की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो हर छह महीने में चुनाव, एक चुनाव जाता है दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। अभी कर्नाटक का आ रहा है, वो खत्म होगा, उसके बाद तुरंत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, सब लाइन से एजेंसीज के पास भी तो कुछ होगा साहब। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एजेंसीज खाली हाथ है। आप भी रहमान साहब अपने घर पे बैठे हैं, सीबीआई क्यों नहीं आ जाती है, ईडी डीआरआई क्यों नहीं आ जाती है? कुछ तो टिप ऑफ होगा, मनी ट्रेल होगी, कुछ फाइंडिंग्स होंगी, तभी अधिकारी आगे बढ़ता है। जब मैं चुनाव की बात कर रहा था तो जब कभी भी चुनाव में जो वादे किए हैं वहां से जो देश की जो जनता होती है, देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए ये सब चीजें उठाई जाती है। और रहा कि जैसा सीबीआई है, आईटी है, ईडी है, खासतौर पे ईडी ने गुज़िश्ता अगर आप देखेंगे करीब 5400 से ज्यादा उन्होंने केसेस बुक किए हैं। हाँ। और वो केसेस जो है, हाँ, पूरे के पूरे अपोजिशन के ऊपर है, हालांकि उसमें से अगर आप देखेंगे हार्डली, मैं समझता हूं कि 200 से कम केसेस है जो विपक्ष जो रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स के ऊपर किए हैं, जो भी, और वो भी जब दूसरी पार्टियों में थे, जब वो पार्टी छोड़े और जब वो भाजपा जब ज्वाइन कर लिए, फिर उसके बाद जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल सीएम कहते हैं कि वॉशिंग पाउडर निर्मा, उस तरीके से उनकी बिल्कुल सफाई हो गई, और या तो वो केसेस कोल्ड स्टोरेज में चले गया, वो केसेस को खत्म कर दिया गया। तो ये जो चीजें हैं, ये मैं समझता हूं कि इसी के ऊपर सारी जो आज विपक्ष है वो आज इकट्ठा खड़ी है, और हम चाहते हैं कि भाई देश में, हम भी नहीं चाहते और के देश में इस तरीके का माहौल हो, मगर बदकिस्मती की बात है कि भाजपा के जितने एमपीज है, भाजपा की जो सरकार है, वो पार्लियामेंट में आप देखेंगे कि पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही है, और यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि पार्लियामेंट को पीसफुल तरीके से चलाया जाए उसकी कार्रवाई, मगर आप देखते हैं कि खुद ट्रेजरी बेंचेस में जो सरकार कांग्रेस के साथ है, विपक्ष में कई मुद्दों पर नहीं है, आप लोग थोड़ा सा अलग भी है, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी राय और पार्टी की राय क्या है? पहली जेपीसी पर, दूसरा राहुल गांधी के बयान पर। रहमान साहब, जहां तक जेपीसी का ताल्लुक है, जेपीसी का गठन है, क्योंकि जिस तरीके के अडानी का जो ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, तो उसका जेपीसी, और मैं समझता हूं कि सरकार को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जेपीसी जब वो करेंगे तो चेयरमैन तो सरकार अपना ही रखेगा वहां पे, समझे, तो उसमें सरकार को डरना नहीं चाहिए, तो उसके लिए। और दूसरी चीज यह है कि कल जब 200 से ज्यादा एमपीज जा रहे थे ईडी के पास, हाँ, एक मेमोरेंडम देने के लिए, तो वो जो एमपीज है वो पूरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है जो पूरी हिंदुस्तान की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और वो लोगों को पता है कि नियम क्या होता है, कानून क्या होता है, और उन लोगों से क्या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है जिसके वजह से बैरिकेडिंग की गई और उनको रोका गया। तो ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़े सवाल
उठाता है। रहा जहां तक राहुल गांधी जी का जो ताल्लुक, राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सही कहा उन्होंने, मगर यह है कि वो जाके फॉरेन की भूमि पे उन्होंने कहा, वो जो हिंदुस्तान में बात कहनी चाहिए थी, मगर उन्होंने जो कहा वो बात गलत नहीं है, मगर उन्होंने जो बात हिंदुस्तान में कहनी थी वो एक गलत प्लेटफॉर्म पे और जाके एक विदेश में कहा उन्होंने बात, जिसके लिए मैं समझता हूं कि बीजेपी जो माफी की बात करी है।